बदायूं से खबर, जहां पर सांसद संघमित्रा मौर्य मंच पर भावुक हो गई और रोने लगी। संघमित्रा मौर्य टिकट न मिलने से दुखी दिखी। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है संघमित्रा मौर्य। बदायूं से आज प्रबुद्ध सम्मेलन है। प्रबुद्ध सम्मेलन में सीएम योगी शामिल होंगे, लेकिन उससे ठीक पहले मंच पर किस तरह से भावुक हुई उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बदायूं में सांसद संघमित्रा मौर्य मंच पर ही भावुक हो गई और रोने लगी। संघमित्रा मौर्य टिकट ना मिलने से दुखी दिखाई दे रही हैं और उनका अगर पहले की बातें हमने सुनी हो तो हमेशा वो कहती रही कि वो काम करती रही हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन अब जब उन्हें टिकट नहीं मिला है तो इससे काफी आहत दिखाई दे रही हैं संघमित्रा। बातचीत करने के लिए चितरंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चितरंजन, क्या हुआ था मंच पर जिसके बाद भावुक हो गई संघमित्रा? चितरंजन, आवाज मिल रही है आपको? चलिए चितरंजन से हम बातचीत करेंगे। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन हम आपको बता दें बदायूं में सांसद संघमित्रा मौर्य मंच पर भावुक हो गई हैं, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। किस तरह से वो अचानक रोने लगे, अपने मुंह पर हाथ रख लिया उन्होंने। संघमित्रा मौर्य टिकट ना मिलने से काफी दुखी दिखाई दे रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है संघमित्रा मौर्य। बदायूं में आज प्रबुद्ध सम्मेलन है जिसमें सीएम योगी भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन ठीक उससे पहले इस तरह की तस्वीर सामने आई है जहां पर संघमित्रा मौर्य की आंखों में आंसू दिखाई दिए हैं। उनका दर्द छलका है आंसू के तौर पर, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और लगातार वो यही कहती रही कि वो अपनी पार्टी के साथ हैं, पार्टी को साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं। उनके काम काज, हालांकि उनके पिता की बातें भी वो हमेशा रखती रही हैं। बातचीत करने के लिए चितरंजन एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चितरंजन, ऐसा क्या हुआ जिसके बाद इस तरह से भावुक हो गई संघमित्रा मंच पर? प्रबुद्ध सम्मेलन बदायूं में चल रहा है और मुख्यमंत्री अभी पहुंचे हुए हैं, इसी को लेकर संघमित्रा मौर्य को ये आहत हो गई है क्योंकि उनका टिकट नहीं हुआ है और यहाँ पर दुर्विजय सिंह साहब का टिकट हुआ है, तो उनको लग रहा है कि काश हमारा टिकट हो गया होता। इसी के चलते वो रोने लगी मंच पे और काफी सारे मीडिया के लोगों में इसकी इनकी ये पूरी तस्वीर कैद हुई है और उसके बाद हम लोगों ने इस खबर को ब्रेक किया है तो इनके मन में जो चल रहा था वो साफ साफ मंच पे दिखाई देने लगा है और संघमित्रा रोते हुए दिखाई दे रही हैं। जी, कुछ बातचीत हुई संघमित्रा से? आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर इस तरह से आंखों में आंसू क्यों आए, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, अभी क्योंकि मंच पे मुख्यमंत्री आए हुए हैं, जैसे ही निकलते हैं वैसे ही हम लोग मुख्यमंत्री इसमें संघमित्रा जी से बात करेंगे कि आखिर उन ये किस वजह से आहत है, मगर साफ साफ तस्वीरें में दिखाई दे रहा है संघमित्रा मौर्य दुखी हो रही हैं और अब रोते हुए दिखाई दे रही हैं क्योंकि वो चाहती थी कि बधाइयों से उनको दोबारा टिकट मिले, मगर सरकार ने और योगी मोदी ने इन पे विश्वास नहीं किया और उनको लगता था कि संघमित्रा मौर्य बधाइयों से हार जाएंगे, इसी को लेकर वो आहत थी और आज जो वो रोने लगी और इसी के चलते टिकट कटा हुआ है। तो संघमित्रा मौर्य के रोने की ये तस्वीरें अब कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि अब तक संघमित्रा से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पार्टी की तरफ से टिकट ना मिलने का ये दर्द आंसू के तौर पर उनकी आंखों से छलक गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चितरंजन।